हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के अंदर मैं डिफरेंशिएशन यानी अवकलन से जुड़े हुए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो इसके अंदर आप देखें, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, देखिए डिफरेंशिएशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेट फंक्शन होते हैं और उनका डिफरेंशिएशन जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए ये हमें पता चलना चाहिए। यहाँ दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट में कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 13, इसका आपको डीवाई बाई डीएक्स निकालना है और आपके पास में चारों ऑप्शन गिवन है। अब यहाँ क्योंकि फंक्शन जो दे रखा है, इस फंक्शन को थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे? जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स, आप इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दें 5/13 एक्स और ये 12/13 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ समझने के लिए आप ऐसा करें, साइन इनवर्स 5/13 जो है इसको तो आप लिख दें, कोई क्योंकि नया नंबर है कोई भी, तो इसको तो लिख दें आप साइन अल्फा और इसको लिख दें आप कोस थीटा। अब अगर ध्यान से देखें तो इसको साइन अल्फा लिया और इसको कोस थीटा लिया, तो साइन अल्फा के साथ में ये 5/12/13 आपको अगर याद हो तो जो हमने एक सिस्टम ले रखा है इसके अंदर आपको याद होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। आपको पता होगा मैंने 3-4 तरह के पाइथागोरियन ट्रिपलेट बता रखे, 3-4-5, 5-12-13, 7-24-25, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। तो ये जैसे आप देख लो कि ये इस तरीके से मैंने इसके अंदर जो लिया था कि साइन अल्फा 5/13, तो अगर ये अल्फा है तो साइन अल्फा 5 यानी कि लंब बटा कर्ण, तो आधार कितना 12 हो गया, तो उस केस में ये 12/13 आपके क्या बन जाएगा, 12/13 आधार बटा कर्ण यानी कि कोस अल्फा बन जाएगा ये। तो आपको इस चीज़ को इसमें याद रखना है, तो ये बन गया आपके एक तरह से कोस अल्फा और ये वापस बन जाएगा आपके साइन थीटा। ये एक जनरल चीज बन गई है, अगर आप ध्यान से देखो तो साइन इनवर्स और ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फा प्लस थीटा, तो ये वाई बन गया आपके साइन से साइन कैंसल अल्फा प्लस थीटा। बस अब आपको क्या करना है, वाई इक्वल टू अल्फा भी आप पुट कर दें, तो अल्फा आपने क्या लिखा था, आपने लिया था साइन अल्फा इक्वल टू 5/13 और कोस थीटा जो लिया था आपने 12/13, तो ये आप इसकी जगह वापस अल्फा की जगह वापस पुट कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 और थीटा की जगह आपके बन जाएगा, इसको आपने कोस थीटा, इसको आपने एक्स लिया था, ध्यान रखना, सॉरी ये नहीं, इसको आपने एक्स लिया था क्योंकि ये तो कोस अल्फा ही चल रहा था, ये इस एक्स को आपने ये लिखा था, तो ये आपके कोस थीटा बन जाएगा एक्स, तो ये आपके बन जाएगा थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स। अब आपको इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट डी वाई बाई डी एक्स, ये तो हो गया कोस टेंट, तो 0, और ये कोस इनवर्स का होता है -1/(1 − x²)√। तो ये आपके आंसर इसके अंदर दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आपको कोई भी पुट करने में ध्यान रखना पड़ेगा एक फंक्शन के फिगर को देख करके, न फिर आपको इसको सोल्व करना है। y√(1 − x²) + x√(1 − y²)√1, आपको ये फाइंड करना रहा, ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो आपको इसके अंदर करना क्या है, आपको dy by dx निकालना है। तो यहाँ पर भी आप क्या करें, फंक्शन को देखो, एक सिमेट्रिक फंक्शन है, आप इसमें x इक्वल टू ले लें साइन थीटा और y इक्वल टू ले लें साइन फाई। जैसे ही आप ये लेते हैं तो आपके y की जगह तो बन जाएगा साइन फाई और 1 − x² है ना, तो 1 − x² यानी कि 1 − sin² थीटा, तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस जो x है वापस ये बन गया साइन थीटा और ये बन जाएगा आपके cos फाई और इसके इक्वल हो गया 1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये फंक्शन आपके क्या बन गया, साइन थीटा प्लस फाई
इक्वल टू वन, फिर इसको आप साइन को उधर भेज दें तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू साइन इनवर्स वन, और अब थीटा की जगह वैल्यू पुट करें आप, थीटा क्या है साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, और ये हो जाएगा पाई बाई टू। आपको इसका वाई के रेस्पेक्ट करना है डिफरेंशिएशन, तो आप साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, प्लस ये हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर रूट में साथ में डी वाई बाई डी एक्स, और इसका हो जाएगा जीरो। तो आपके ये फाइनली जो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, आपके आपके डी वाई बाई डी एक्स जो बनेगा इससे वो बन जाएगा माइनस का, इसमें आंसर आपके पास गिवन है वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सॉरी यहाँ माइनस रहेगा ये इस वाला टर्म, ये रूट में दोनों, फाइनल आपके आंसर है ना। तो आप देखिए अपन ने जब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब पुट करके न किया तो आपके जल्दी से इसका आंसर मिल जाएगा आपको। एक्स रूट वन प्लस वाई प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ x की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में आपको dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ आप देखिए हमारे पास ऑप्शन गिवन है और जो फंक्शन हमारे पास में है ये वाला, मैंने इसको इधर शिफ्ट किया और शिफ्ट करने लेने के बाद में मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया और स्क्वायर कर लेने के बाद में इसके फैक्टर कर दिए। फैक्टर आ रहे हैं आपके पास में x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस वाई तो जीरो हो नहीं सकता, तो हमने x प्लस वाई प्लस एक्स वाई लेकर के और इससे y की वैल्यू निकाल ली। अब इस y की वैल्यू को जो है माइनस एक्स अपन वन प्लस एक्स, इसको अपन यू अपन वी से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको पता ही होगा, वन प्लस एक्स यानी हर इंटू अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन माइनस वन, फिर हर वापस अंश ऐसे रहेगा और हर का अवकलन वन, और नीचे हर का वर्ग हो जाएगा। तो आप देखो माइनस वन माइनस एक्स, ठीक है, और ये यहाँ पर जो आ रहा है माइनस वन, क्योंकि हमारे पास ये टर्म माइनस में थी तो ये माइनस आगे जाके वापस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, यानी कि माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आपके डी वाला जो ऑप्शन है वो इसके अंदर करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा हुआ, कुछ क्वेश्चन में कुछ चीज़ें सोल्व करने के बाद में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे इसके अंदर ये कॉमन लिया तो x माइनस वाई और ये बन रहा है, तो कुछ चीज़ें अगर याद रह जाए तो ठीक रहता है, सोल्व करने में हमारा टाइम कम जाता है उसके अंदर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये हमारे पास में दे रखा है कि ना कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से क्या होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप अगर चाहो तो एक काम करो कि साइन इनवर्स एक्स को ले लो थीटा, और ये थीटा लिया तो आपके एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा साइन थीटा, और ये साइन थीटा बनने के बाद में अगर आप इसका अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर निकालोगे रूट में तो ये बन जाएगा आपके कोस थीटा। सीधी सी बात है, कुछ चीज़ें डायरेक्ट है, तो अब आप ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर लें, तो ये इसके अंदर पुट करते अपना काम हो गया है, मतलब y इक्वल टू इसको तो लिखा अपन ने थीटा, और ये है साइन इनवर्स और ये बन रहा है कोस थीटा, ठीक है। तो ये y इक्वल टू, क्योंकि रूट वन माइनस है तो साइन इनवर्स कोस थीटा और ये बन गया थीटा। अब आप इसको तो ऐसे रहने दें और साइन इनवर्स और इसको लिख दें आप साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। देखिए वाई इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा, तो ये वाई इक्वल टू क्या बचा पाई बाई टू, तो आपके ये डी वाई बाई डी एक्स जो बचेगा वो क्या बचेगा जीरो। ये आपके ऑप्शन में जो बी राइट ऑप्शन है
बिल्कुल इजी काम। अब देखिए, मैं अगला क्वेश्चन जो ले रहा हूँ वो है, यदि किसी c ग्रेटर देन जीरो के लिए x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो, तो ये पूछ रहा है कि 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर पावर 3 बाई टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे रखा है ए बी सी और जीरो। तो यहाँ पर जो पूछ दे रखा है, हमारे पास फंक्शन दे रखा है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। आप इससे क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इसके अंदर आपके क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इसके अंदर आ रहा है आपके, पूरा सोल्व करोगे इससे तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। फिर इससे आपको डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है, तो ये आपके जो बनेगा ये भी आपके इसी में बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको इसका वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर करके और पावर थ्री बाई टू करनी है, और उसके बाद में इस टर्म्स से इसको डिवाइड करना, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी ये हमें इसके अंदर चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत भारी काम है, हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे, फिर पावर थ्री बाई टू करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप जो कैलकुलस है फर्स्ट ईयर की कलन गणित जो है उसके अंदर एक चैप्टर चलता है कर्वेचर, कर्वेचर, और उसके अंदर हम रो फाइंड करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या फाइंड करते हैं, और वक्रता जब फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर पावर 3 बाई टू अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान से अगर देखो तो ये पूरा वास्तव में ये जो फॉर्मूला है ये किसका हो गया, रो का, वक्रता त्रिज्या का, ठीक है। अब यूनिक आप फिर से करने बैठ जाओ, अब थोड़ी सी जानकारी इस कर्व के बारे में हो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कर्व है एक सर्कल यानी वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र तो है ए बी और त्रिज्या इसकी क्या है सी, और यहाँ ये फॉर्मूला वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने का है। तो क्लियर दिख रहा है कि इसकी वक्रता त्रिज्या जब वृत्त है तो वृत्त की जो त्रिज्या है वही तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी सी, और इस वजह से आपको ये पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, मैं जानबूझ के इतना सब ऐसे ही करवा रहा था ताकि आपको ध्यान रहे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और ये वास्तव में हम इजी रूप में कैसे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये डायट बता रहा है इसकी त्रिज्या सी है इस वृत्त की, तो आपको डायट ये फॉर्मूला अगर याद है रो का तो वास्तव में हमारे रो इक्वल टू सी हो जाएगा, तो ये हमारे आंसर करेक्ट जो है वो सी ऑप्शन है, उसके अंदर सी ही लिखा है, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके पास में जो क्वेश्चन है वो है, अब आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है, इसको आप y इक्वल टू मान लें, y इक्वल टू कोट इनवर्स, फिर इसके अंदर रूट वन प्लस साइन प्लस रूट वन माइनस साइन और रूट वन प्लस साइन माइनस रूट वन माइनस साइन, इसका आपको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है यानी अवकलन करना है। तो मैं इसको बता रहा हूँ वैसे, सो कैसे करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन है, पहले तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वाला
चैप्टर है, ये क्वेश्चन उसके अंदर भी है, और फिर उसमें सिंप्लीफाई करने के बाद में इसको वापस डिफरेंशिएशन के अंदर डाल रखा है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो देखो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको सबसे पहले जो 1 प्लस साइन एक्स, इसको आपको क्या करना है, इसको 1 को तो लिखना आपको कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और फिर साइन एक्स को लिखना है प्लस का 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। फिर ध्यान से देखो तो ये टर्म पूरी क्या बन जाएगी आपके, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। अब ये कह रहा कि इस पर रूट चाहिए, तो ये इन पूरे रूट लग जाएगा, ये रूट लग गया, मतलब 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या आई, वो आई है एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, इसकी ये आ गई। तो सिमिलरली आपके माइनस वाले की क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन एक्स अगर लेते हैं आप, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू आ जाएगी। बस ये दोनों आ चुके, अब तो इसके अंदर वैल्यू पुट करनी से आपको खाली, तो आप इसकी जगह वैल्यू पुट करें इसकी, तो ये बन जाएगा आपके y इक्वल टू कोट इनवर्स, और फिर यहाँ 1 प्लस में तो बन जाएगा कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, फिर ऐसे ही नीचे कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब यहाँ देखो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कोस से कोस कैंसिल, तो ये बचा आपके पास में कोट इनवर्स, और ये टू कोस एक्स बाई टू टू साइन एक्स बाई टू, मतलब वाई इक्वल टू बन गया कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू। तो फाइनली आपके वाई क्या आया, एक्स बाई टू, और आपके डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 1/2। ये आपके इसका आंसर है। एक जनरल ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अपने को सोल्व करना आ जाए तो हम इजी वे में कर सकते हैं, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ये आपके इसका आंसर है 1/2, तो ये आपके सी इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इस क्वेश्चन में अगर ये प्लस और माइनस अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं, प्लस अगर ऊपर नीचे हो जाए माइनस ऊपर हो जाएगा, तो उस केस में आपके ये जो आएगा वाई इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू, और उस केस में आपके डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो माइनस का हाफ। ये आपको ध्यान रखना है, वो मतलब क्या कि ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट पूछे जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसको सोल्व करने पर या तो आप जो तरीका बताया उससे कर लें, या फिर आपको याद रहे कि ये इसका x बाई टू होता है, और अगर माइनस ऊपर हो जाए तो ये माइनस में होगा, तो उस केस में माइनस हाफ इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है d बाई डी एक्स एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू, मतलब इसका एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा। दिखने में बहुत भारी भरकम लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो हमने, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन जो होता है वो इंटीग्रेशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। अगर आपको जो इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं याद हो, तो उसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दूसरा जो फॉर्मूला था वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट डी एक्स, और तीसरा जो फॉर्मूला था वो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तीन फॉर्मूले एक जैसे थे और काफ़ी बड़े फॉर्मूले थे अगर आपको पता हो तो। तो इसके अंदर क्या है, अगर ये तीनों फॉर्मूले पता हो तो इन तीनों फॉर्मूले का मैंने एक सिस्टम बता रखा है, एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन टू एक्स अपॉन टू, तीनों में होता है। फिर
यहाँ पर आपके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो टर्म है वो कि वो यहाँ पर आपके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो आपके है। फिर आपको बता दूं कि यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, फिर ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ये सेम होता है। इन तीनों में से एक जगह माइनस होता है और वो पता कहाँ चल रहा है, जहाँ, क्योंकि यह ए स्क्वायर आ रहा है तो यूँ याद रखो कि ए स्क्वायर जहाँ माइनस में आ रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस में तो प्लस रहेगा, ए स्क्वायर यहाँ प्लस में तो प्लस में रहेगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस में, इसलिए माइनस में, खाली ये माइनस में रखा। अब यहाँ वापस जो है इसका आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू, ठीक है, और इसका आता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके अंदर भी लॉग ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम टर्म। ये याद किसे रखोगे, आपको अगर पता हो तो वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये आप साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और किसी में नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स आएगा, और ये जो है पूरा लॉग वाला जो मैं आपको बताता हूँ, यानी आपके यहाँ पूछा है कि इसका डिफरेंशिएशन और इस पूरे को आप कंपेयर करिए इससे, सेम ये है, और अगर इस टर्म का इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफरेंशिएशन वापस ये होगा, और इसलिए आपका जो आंसर है इसके अंदर वो क्या बन रहा है, इसमें ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। सीधी सी बात है, इसके अंदर क्वेश्चन में वो इनमें से भी कोई भी डाल सकता है, ठीक है। फिर दूसरी जो बात आती है इसके अंदर, एक चीज़ और कि एक जनरल बात पूछी जाती है डी बाई डी एक्स, भले तो इधर से याद रखो आप लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और भले ही आप इंटीग्रेशन में याद रखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो उस केस में आपके इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या बन जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट, आप दोनों तरफ से, क्योंकि ये फॉर्मूले इंटीग्रेशन में याद रखने ही पड़ेंगे, तो इसलिए आप ये इंटीग्रेशन अगर याद रखो तो इससे वापस ये उल्टा इसका डिफरेंशिएशन भी याद रह जाएगा। तो ये कुछ टर्म जो है, जैसे मान लो ये माइनस में आ रहा है, ये दोनों सेम टर्म है, ये वाली और ये, देख लो आप, तो इसका इंटीग्रेशन अगर ये है तो इसका जो पूरे का डिफरेंशिएशन आपके ये बन जाएगा, और अगर खाली इसका इस पूछा जाए तो ये माइनस में वन अपॉन में आ जाएगा, ये इसका सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू कोट इनवर्स रूट वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। तो अब यहाँ आपके पास ऑप्शन दे रखा है डी बाई डी एक्स, मैंने आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्री का मामला जो थोड़ा है वो मजबूत होना चाहिए, आपको मालूम है, भले देखिए इस इन दोनों को आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, एक तो मैंने बताया था कि वन प्लस साइन एक्स को आप लिख सकते हो कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और माइनस वाले को आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इनके ऊपर रूट लगाओगे तो ये आ जाएगा रूट, तो अब ये क्या बन जाएगा, कोस एक्स बाई टू प्लस माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अब यहाँ क्या करना, इसने जो बात पूछी है ध्यान से देखना आप, वन माइनस साइन एक्स, तो इसकी जगह क्या बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ये स्टेप आपके इसके अंदर बार बार आएगी, आपको ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर देना, ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा, वन माइनस, क्योंकि रूट तो आपके ये स्क्वायर से हट चुका है, खाली बस कोट इनवर्स बचा है, मैं इस पूरी टर्म को सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या बन जाएगा, वन माइनस टेन एक्स बाई टू
और 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। और इसको जो लिखने का तरीका है वो है टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन, ऊपर माइनस ऊपर प्लस था तो ये प्लस कर दो, नीचे माइनस था तो माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन पाई बाई फोर टेन एक्स बाई टू। और फाइनली ये आपके क्या बन जाएगा, ये जो टर्म है वो क्या बन गई आपके, ये बन गई है टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ये आपके ये बन जाएगी। आप इसी टर्म को अगर आप कोट से डिवाइड करते, मतलब कोट बनाते हैं तो भी बन जाता, तो आप इसको पढ़ रहने दो कोई बात नहीं। ये और इसके बाहर y और ये है कोट इनवर्स, ठीक है, तो कोट इनवर्स पढ़ रहने दो और इसको लिख दो आप कोट पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो ये कोट से कोट कैंसिल, आपके पास y क्या बचा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। बस डी वाई बाई डी एक्स निकालो, इसका करना क्या, इनको सॉल्व करने मत बैठ जाना, ये तो वैसे जीरो हो रहे हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, तो ये खाली एक्स बाई टू का ही करना, तो ये वन बाई टू इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे बस खाली ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई कर लो आप तो काफ़ी ईजी काम हो जाएगा इसके अंदर। अब देखिए y इक्वल टू कोस इनवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपको इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, कुछ नहीं है आपको इसमें डायरेक्ट x इक्वल टू, क्योंकि बाहर कोस इनवर्स है तो आप इसको x को ले लें क्या टेन थीटा, ऐसा करने से आपके ये y बन जाएगा कोस इनवर्स, यहाँ पे a ले लें साथ में, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। और ये क्या बन गया, बाहर तो कोस इनवर्स और अंदर बन जाएगा आपके वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होगा ये तो गया कोस इनवर्स और ये पूरा क्या बन गया आपके कोस टू थीटा, मतलब आपके ये टू थीटा आ गया, तो टू और ये वाई क्या आ गया टू थीटा की जगह आप वापस पुट कर दें वो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन है। अब आप इसका कर ले एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल सिंपल काम हो गया टू, और ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एक्स अपॉन ए का फिर से करो, तो ये फाइनली जो आपके डी वाई बाई डी एक्स आया वो क्या आ जाएगा 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा फंक्शन को देख करके आपको उसमें क्या लेट करना वो पता चल जाना चाहिए।